हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट आर में स्वागत है आज हम एक ईएसआईसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है डेप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट के लिए टोटल 151 पोस्ट है और आपको पता है डेप्यूटी डायरेक्टर ये एक बहुत बड़ी लेवल की पोस्ट है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ई में ज्वाइन करते हैं लेकिन इस पोस्ट पर पहुँचने के लिए दस से पंद्रह साल लगते हैं तो ये लेवल टेन का पोस्ट है इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मैक्सिमम एज कितना है हम सारा इस वीडियो में देखेंगे अभी देखिए एक्चुअली ये एक uh, मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजा है ये है uh, मतलब फोर्टीन अगस्त से ट्वेंटी अगस्त का एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो आता है उसका एक स्क्रीन है एक्चुअली ये पब्लिश अभी नहीं हुआ है तो मैं इसकी गारंटी हंड्रेड परसेंट नहीं ले सकता लेकिन ये देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि ये ऑथेंटिक है लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था मैंने एक इंटेलिजेंस uh, ब्यूरो वाला नोटिफिकेशन आप सबको बताया था लेकिन बहुत uh, लोगों ने फिर फाइनेंस uh, मिनिस्ट्री को पूछा फिर बाद में आपको पता है कि पीआईबी को भी उन्होंने सेंड किया था एंड फाइनली पीआईबी ने कहा था कि यह गलत है लेकिन दूसरे ही दिन ये वेबसाइट पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पे आ गया था और फिर बाद में पीआईबी को वो वापस लेना पड़ा था तो सिमिलर टाइप का एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है थोड़ा एक दिन एडवांस में मिला है क्योंकि जनरली यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ फ्राइडे को रिलीज़ होता है लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे भेजा है तो हम इसको नाइन्टी एक्यूरेट पकड़ के चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वन वैकेंसीज़ है यहाँ पर एंड पोस्ट का नाम है डिप्यूटी डायरेक्टर है और आप यहाँ पर रिजर्वेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे ई का भी रिजर्वेशन यानी कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये एस सी की ट्वेंटी थ्री वैकेंसीज़ है एस की नाइन ओ बी सी थर्टी एट ई डब्बू एस फिफ्टीन एंड यू की सिक्सटी सिक्स एंड फिजिकल हैंडीकैप की फ़ोर वैकेंसीज़ है यहां पर मैक्सिमम एज जो दिया है वो है थर्टी फाइव तो ये जनरल कैटेगरी थर्टी फाइव आपको पता है ओबीसी के लिए तीन साल एक्स्ट्रा मिलता है एस सी के लिए पांच साल एक्स्ट्रा मिलता है ठीक है तो अभी ये है एम्प्लॉयमेंट न्यूज और फिर मुझे सिमिलरली उसी स्टूडेंट ने मुझे डिटेल नोटिफिकेशन भी भेजा है जहां पर हमें पैटर्न के बारे में बताया गया है सिलेबस के बारे में बताया गया है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे देखो अभी ये जो लिया है मैंने वो पीडीएफ से लिया है तो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए आपको ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन चलेगा एनी यूनिवर्सिटी चलेगा एक्सपीरियंस चाहिए आपको तीन साल का ठीक है तीन साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स और मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन और इंश्योरेंस और रेवेन्यू और टैक्स रिलेटेड मैटर्स इन दी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनॉमस बॉडी तो ये यहाँ पे चलेगा तो अभी बैंक्स का चलेगा कि नहीं चलेगा अभी ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता लेकिन मुझे लगता है आना चाहिए मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बैंक्स भी आ सकते हैं ऐसे मुझे लगता है यहाँ पे डिजायरेबल में, में कहा गया है कि क्वालिफाइड सबॉर्डिनेट अकाउंट सर्विस और पास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्किंग वर्क अकाउंट आई कहते हैं इसको वो डिग्री अगर होगा तो वो डिजायरेबल है उसके बाद एम बी ए की डिग्री भी डिजायरेबल में आती है और डिग्री इन लॉ एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटेड टू सोशल इंश्योरेंस और लेबर लॉज तो ये डिजायरेबल में आ रहा है अगर ये नहीं भी है आपको आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तीन साल का रिलेटेड एक्सपीरियंस है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर रिलेटेड पोस्ट है काफी हाइयर लेवल की गवर्नमेंट पोस्ट है अभी यहाँ पर हम इसका पैटर्न देखते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर उन्होंने आर लिखा एक रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो तो उसमें दो पार्ट्स होंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए में होगा इंग्लिश होगा एंड पार्ट बी में जनरल एबिलिटी होगी यहाँ पर जो टेस्ट होगी आपकी हिंदी में भी होगी एंड इंग्लिश में भी होगी यानी कि उसका लैंग्वेज जो है वो ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स एंड ये ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होने वाला है एमसीक्यू कोई डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पर नहीं है यहां पर यह भी दिया है कि वन थर्ड मार्किंग सिस्टम है अभी देखिए ये सिलेबस है पार्ट ए में जो इंग्लिश कहा गया है वहां पे द टेस्ट ऑफ कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्क मैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स यानी कि वकैब्रेरी का यहाँ पर टेस्ट हो सकता है एंड पार्ट भी काफी डिटेल में है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है मार्केटिंग है अकाउंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर टी आई है न्यूमरिकल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग भी है इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जनरल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इशूज फ्रीडम मोमेंट एंड इंडियन यूनियन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि काफ़ी मतलब एग्जॉस्टिव सिलेबस है पार्ट बी का यहाँ पर पार्ट ए एंड पार्ट बी का वेटेज कितना है उन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है वेटेज एंड मार्क्स ऑफ आर टी अलॉन्ग अदर डिटेल्स इफ़ एनी विल बी इनफॉर्म लेटर ऑन बाय द कमीशन टू इट्स एप्लीकेंट्स आफ्टर एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द इंस्टेंट रिक्रूटमेंट केस यानी कि उन्होंने कहा है कि हम इसको बाद में डिक्लेयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट uh, है जो लोग इसके लिए एलिजिबल है वो डेफिनेटली इसको अप्लाई कीजिए एंड गवर्नमेंट में एक हाइयर लेवल का पोस्ट लेने का आपको एक अच्छा मौका मिला है तो अभी एक दो दिन में इसका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा एंड थर्ड सितंबर तक है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यहां पर कर सकते हैं तो बस मेरी तरफ से इतना ही था लेकिन मैं अभी भी इसको हंड्रेड परसेंट कन्फर्म नहीं कर रहा हूं लेकिन जो आपने स्क्रीनशॉट देखा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज का एंड उसके बाद जो पी का भी स्क्रीन शॉट देखा है उसके बेस पर हम इसको कह सकते हैं लेकिन फिर अगर ये गलत हो गया तो बाद में आप मुझे मत कहिए कि सर आपने गलत बता दिया इतना कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा ऐसे मुझे लगता है एंड मुझे ये ऑथेंटिक लगा है इसके बेस पे मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन देने का मैंने ट्राई किया इसमें मेरा कोई मतलब अदर पर्पज़ यहाँ पर नहीं है ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन